वेट गेन पैटर्न 0 से लेके 1 साल तक न्यूबॉर्न बेबीज में कैसा रहता है देखेंगे। पहले 7 डेज 10% वेट कम होता है। मतलब क्या, अगर आपका बच्चा 3 किलो का है तो 300 ग्राम वजन कम होके 2 किलो 700 हो जाए तो वो नॉर्मल है। फिर 15 दिन तक ये वेट गेन नॉर्मल होके बर्थ वेट तक आ जाता है। पहले 3 महीने में बच्चे का वेट 800 ग्राम से 1 किलो बढ़ता है। 3 महीने से 6 महीने में ये वेट 400 से 600 ग्राम बढ़ता है एंड 6 महीने से 12 महीने में ये वेट 200 से 300 ग्राम बढ़ता है। तो आपने देखा होगा कि ये वेट गेन पैटर्न थोड़ा कम हो जाता है। रीजन क्या है कि पहले एनर्जी प्रिजर्व होता है बिकॉज बच्चा पहले 3 महीने 17 से 18 घंटे सोता है एंड जैसे जैसे उसकी एक्टिविटी बढ़ती है वेट गेन पैटर्न कम हो जाता है और ये एकदम नॉर्मल है। शॉर्ट में मैं अगर आपको बताऊं तो जो बच्चे का वजन जन्म में 3 किलो है 5 से 6 महीने पे डबल होना चाहिए, 6 किलो और 12 महीने पे ट्रिपल होना चाहिए तो वो नॉर्मल होता है। पेरेंट्स, अ सरप्राइज फॉर यू फ्रॉम पेरेंटिंग टिप्स सूरत। मैं यहाँ पे 2 इमेज शेयर कर रहा हूँ, बॉय के लिए ब्लू एंड गर्ल के लिए पिंक। इसमें क्या है, एज वाइज रेंज है, उनका नॉर्मल रेंज है वेट एंड हाइट का। आपको क्या करना है, अपने बेबी के एज के हिसाब से उसे प्लॉट करना है एंड अगर उस रेंज में आता है मतलब आपके बेबी का ग्रोथ पैटर्न नॉर्मल है। डू टेल अस कैसा लगा आपको। थैंक यू।